पर इसीलिए ना कहते हैं मोर मचाए शोर, यही से कहा जाता है। तब हल्ला किए हुए बात बोलो ना, बात क्या है? अच्छा, ओ अब देखिए, कह रहा है कि साफ बुझा गया है वो कहावत का मतलब। कौन कहावत? अच्छा, आंख बंद डिब्बा गायब। अरे तो कौन डिब्बा गायब हुआ? अच्छा, अरे रेल का डिब्बा, रेल का डिब्बा भी नहीं, इंजन गायब। अब बताइए, कहने का मतलब है कि जो नटवर लाल हुआ करते थे, नटवर लाल से भी बड़का बड़का नटवर लाल लोग हो गया है समस्तीपुर वाला। हाँ, अब देखिए, समस्तीपुर लोको डीजल सेट में के एगो इंजीनियर हैं राजीव रंजन झा। ऊ का किए डीएमई होता है, उसके कार्यालय का फर्जी एकादेश पत्र बनवा के आप पूर्णिया लोको सेट में एगो इंजन खड़ा था, और भाप वाला इंजन, चुकुर चुकुर वाला, वही भाप वाला इंजन खड़ा था, उसको जो है से स्क्रैप में बेच दिए। स्क्रैप मतलब बुझ रहे हैं ना? हाँ, स्क्रैप में बेच दिए। तो कहने का मतलब कि ये मोरू कह रहा है कि आँख बंद और डिब्बा गायब। पदाधिकारी आँख बंद किया और डिब्बा क्या कहते हैं, यहाँ इंजन गायब हो गया। आ उसमें देखिए, अच्छा वो भी थे। हाँ, आ उसमें देखिए, ये मामला में वो जो लोको सेट के में पदस्थापित दरोगा जी थे, दरोगा जी वीरेंद्र द्विवेदी, उनका भी हाथ था। अभी लोग पर जांच शुरू हो गया, जैसे जांच शुरू हुआ है दोनों आदमी जो है तो गधा का सिंह के तरह गायब हो गया, फरार हो गया, अब खोजा भी नहीं हो रहा है। ठीक बोला ना? हाँ। अच्छा, अभी वो तो नहीं, अब देखिए ना, मैं गोरखपुर में क्या हुआ, फाइटर जेट विमान का चक्का चोरी हो गया। अरे तो फाइटर विमान का चक्का चोरी हुआ तो उससे ज़्यादा ना काबिल है यहाँ आदमी है, उससे ज़्यादा काबिल है कि रेल का इंजन गायब कर दिया। ये ना हुआ कुछ, माने बात वजन वाला बात, वजनदार चीज़ को गायब किया है। हाँ, अच्छा बुझ गया, कह रहा जब बुझ गए बुझ गए बुझ गए, तो कहाँ बुझा? अच्छा हम बताते, ये बुझ गया कि बिहार में नशाबंदी है, दारूबंदी है, शराबबंदी है, लेकिन मोरू लाल तो बुझ गया, लेकिन ये जो पीएचसी के डॉक्टर लोग है, जो प्रभारी लोग है, ये लोग को नहीं बुझाया। ये लोग बुझा कि दवा दारू दिल्ली बंद है, तो भैया ना पता ही पीएचसी में जो है सो दवा को आग के हवाले कर दिया, पूरा दवा जरा दिया सब। संयोग के बात है कि वहाँ के घूमे वाला दो चार गो लड़का सब देख लिया और वीडियो बना दिया। आजकल तो मोबाइल देखिए, जो जहाँ रहेगा वीडियो बनते रहेगा, वीडियो बना के वायरल कर दिया। अब वायरल कर दिया तब जाके मामला उजागर हुआ कि जवान दवा मुफ्त में ज़रूरतमंद को देना था, वो तो दिया नहीं गया। तो नहीं दिया गया तो अब कितना जमा किया जाएगा? तो जैसे दारूबंदी में दारू जब धराता है तो उसको नष्ट किया जाता है, वैसे ही दवा को नष्ट किया गया। अरे पहली का घटना नहीं है, पिछले साल भी 8 दिसंबर को दवा नष्ट किया गया था, और उसका भी वीडियो वायरल हुआ था। और उस समय जो सीएस महोदय हैं, सीएस है ना, हाँ सीएस महोदय हैं, वो कहा कि है कि वो जांच टीम बनाए, लेकिन जांच आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। दवाई जर गया, राख हो गया, राख धुआं बन के उड़ गया, लेकिन अभी तक जांच पूरा नहीं हुआ है। अब देखिए तुरकौलिया में ना, हाँ तुरकौलिया में दवा मिला कहाँ, तो शौचालय के टंकी में। उसी तरह कोटवा में भी दवा फेंका हुआ पाया गया। मतलब कि ये लोग को बताना होगा कि ये भाई दारू बंदी है, दवा बंदी नहीं है, जो सब दवाई को आप लोग जरा रहे हैं, बुझाया ना? अच्छा और कथी, और कथी, सीएम साहब अरे तो वाल्मीकि नगर में है आज, नहीं अच्छा जनता दरबार, सीएम साहब के जनता दरबार का जो घटना हुआ उससे मोरू महाराज का दिमाग जो है खुल गया। का खुला? तो इनको ये बात समझ में आ गया कि कागज का जो घोड़ा है वो कभी रुकता नहीं है, चलते रहता है। अब ये दूसर बात है कि एक टेबल से दूसरा टेबल पर जाए में उसको 23 बरस लग गया। अब देखिए ये मामला कहाँ का है, सीएम साहब बैठे हुए थे, नीतीश बाबू, सुशासन बाबू, हाँ वह ना जी, हाँ अभी का घटना है ना, पिछला हफ्ता का। अच्छा
सुशासन बाबू जनता दरबार लगाए थे, फरियाद सुन रहे थे। ओमे एगो लड़का जो है सो पहुंच गया कहाँ से, तो गोपालगंज से। आज जब सीएम साहब देखे कि मामला कब का है तो 23 बरिस पुरान, तो सीएम साहब माथा जो है जो ठोक लिए कि अरे तरीके ई का हुआ। अब वो सुशासन का सरकार में ऐसा मामला का था। तो सुनिए, वो जो लड़का है ओकर पिताजी गोपालगंज सर्किट हाउस का मरम्मती कराए थे और उसका भुगतान लेना था, भुगतान नहीं मिल रहा था। कोर्ट में केस हुआ, कोर्ट ने आदेश कर दिया कि 12% ब्याज के साथ इसको तत्काल पेमेंट किया जाए 15 दिन के अंदर में। और समय कितना बीत गया, तो 23 बरिस अभी भुगतान नहीं हुआ भुगतान। तो जब ही पूछे आश्चर्य में नीतीश बाबू की भुगतान नहीं हुआ, तो कहा कि हुजूर हमारे पिताजी जब मरे थे 2014 में तो आप भी आए थे उनको देखने, मरने के बाद मरने वाला मर गया। वो जो सर्किट हाउस है जो उसका मरम्मत हुआ था उसके बाद 4 बार मरम्मत हो गया लेकिन उसका भुगतान नहीं हुआ। लेकिन कागज का घोड़ा दौड़ता है ये बात मोरू समझ गया है ना। कहे कि 23 बरस के बाद सही मामला तो सामने आया, तब का किए नीतीश जी। अच्छा, तो नीतीश जी क्या किए, जो सारा उनका दल बल तो था ही पदाधिकारी लोग का, जौन संबंधित विभाग था उसको तो छोड़ दीजिए, बिना संबंधों वाला विभाग का सबको जो है से क्लास किए कि तुरंत ही भुगतान होना चाहिए। अब देखिए कि अगला कै 23 बरिस के बाद ही भुगतान होता है, बुझे ना। सही बोले, और कुछ है नहीं। अच्छा हाँ, कह रहा है कि सीएम साहब जो है नीतीश बाबू उनको तो रोज रोज आना चाहिए। अब काहे आना चाहिए, तो पूरा जो है सो सड़क सफाई हो रहा है, टूटल सड़क मरम्मत हो रहा है। मोतिहारी के कचहरी गुमटी पर हेतना ठहुन भर गढ़ा था, वो सब गढ़ा बिना कहले न भर गया। तो नीतीश बाबू आते तो सही कल्याण होता। क्या मरू, हाँ और कुछ नहीं ना। नहीं तो मरू को जो समझ में आया वो आपको बताया, इसीलिए कहते हैं कि जो शोर कोई नहीं बचाएगा वो मोर बचाएगा शोर। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।